अब नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का डाइन सिफिलॉन ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है डाइन सिफिलॉन डाइन सिफिलॉन डिवाइडेड है दो डिफरेंट पार्ट में एक का नाम है और एक का नाम है लिम्बिक सिस्टम में और लिम्बिक सिस्टम में डिवाइडेड है डाइन सिफिलॉन जो है सबसे पहले थे जो है ये क्लियरिंग हाउस है क्लियरिंग हाउस का मतलब फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है बॉडी में वो सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू नर्व थ्रू स्पाइनल कॉर्ड आती है थेमस के पास और जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको रखता है बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन को वेस्ट कर देता है या खत्म कर देता है या जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिले होती है यहां पर यानी यह कि यहां रुकती है सेंसरी इंफॉर्मेशन और ये इन सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो भी यहां आ रही है उसको मुख्तलिफ पार्ट ऑफ ब्रेन तक पहुंचा देता है जहां पे उन इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को होना है तो थेलमस का ये मेन फंक्शन है एक तो ये क्लियरिंग हाउस है इन्फॉर्मेशन को खाली करता है खत्म करता है जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है इसके अलावा रिले सेंटर इन्फॉर्मेशन कामेशन का जो आ रही है इन्फॉर्मेशन यहां जमा होती है और ये मुख्तलिफ पार्ट ब्रेन को भी भेजता है इन्फॉर्मेशन की आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें जो भी आपको इस इन्फॉर्मेशन से काम करना है वो काम लें इसके अलावा डेवलप कराता है परसेप्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन अच्छा बेटे मैंने कहा कि ये जो है ये डिवेलप कराता है परसेप्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन इसका मतलब है तकलीफ का एहसास जब कभी कोई चोट लगती है या खुशी का एहसास जो है प्लेजर का इतमान का एहसास जो है ये ये डिवेलप कराता है थेलमस जो है हालांकि ये वाली सेंसेशन जो है और पार्ट ऑफ ब्रेन भी डिवेलप करा रहे होते हैं थैलमस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट था डाइन सिफिलोन का बेटे वो लिम्बिक सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना है तीन पार्ट से मिलकर बना है छोटे छोटे जो के नीचे है इसके अलावा इमेडेला और हिपो कैम्पस हाइपोथेलमसलमस के नीचे इसी ने इसका नाम है हाइपोथेलमस और हमने पढ़ा था इसको एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये वो स्ट्रक्चर था जो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट था और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट था इसका मतलब ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता था वो हार्मोन्स भी हमने पढ़े थे न्यूरो हार्मोन थे एडीएच ऑक्सीटोसिन उसके अलावा और भी हार्मो तो थे जो ये प्रोड्यूस करता था और फिर पिजुचिरी ग्लैंड को दे देता था और हाइपोथेलमस कनेक्ट हो रहा होता है वैसे भी ग्लैंड के साथ ये कंट्रोल कराता है ग्लैंड की को तो एक फंक्शन तो यही है इसका इसके अलावा होमियोस्टेटिक फंक्शन है इसके होमियोस्टेसिस के मायने होते हैं मेंटेन कराने वाले फंक्शन तो ये मेंटेन कराता है ब्लड प्रेशर को वो क्या क्या चीजें मेंटेन कराता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन कराता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराता है हंगर की सेंसेशन डेवलप कराता है भूख प्यास की सेंसेशन को डेवलप कराता है एग्रेशन प्लेजर पेन ये भी करा रहा है एग्रेशन गुस्सा प्लेजर और पेन ये भी करा है, थेलमस के करा सलाइवेशन मतलब का प्रोड्यूस होना स्वेटिंग का होना ये मेन फंक्शन है हाइपोथेलमस के इसके अलावा इमेट डेला जो है इमेट डेला भी प्रोड्यूस कराता है सेंसेशन ऑफ प्लेजर पनिशमेंट एंड सेक्शुअल अराउजल मतलब खुशी का इतमान का एहसास पनिशमेंट मतलब गुस्सा या तकलीफ देना या किसी को सजा देना ये डेवलप कराता है इसके अलावा सेक्शुअल अराउजल सेक्शुअल अराउजल से मुराद है कि सेक्स सेल्स की डेवलपमेंट सेक्स हार्मोस का बनना स्टार्ट कराना इमेक्डिला कराता है इसके अलावाडिला फेयर की डिवेलप कराता है तो अगर किसी जानवर में से इमिक निकाल दिया जाए तो उसकी फेयर की सेंसेशन खत्म हो जाती है मतलब खौफ खत्म हो जाता है उसमें से हिप्पो जो है लास्ट पार्ट जो है लिम्बिक सिस्टम का वो हिप्पो है हिप्पो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कराता है ये जो बातें अभी आप सुन रहे हैं ये बातें आपको याद रह जाएं ज्यादा अरसे के बाद भी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी जो अभी अभी इवेंट्स हो रही हैं आपके साथ जो चीजें देख रहे हैं सुन रहे हैं आप ये शॉर्ट टर्म है हिपो का काम यह है कि शॉर्ट टर्म चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, में कन्वर्ट कराना तो यहां तक जो थे ये सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स थे और इनके फंक्शन थे बेटे बेटे मिड मिड ब्रेन ब्रेन की की बात की जाए अगर तो जो है वो इंसानों में बहुत छोटा होता है साइज के एतबार से और इसके दो पार्ट्स हैं ऑप्टिक लोब और पेडंकल ऑप्टिक लोब जैसा नाम है काम क्या होगा विजन डेवलप कराना तो देखने में मदद करना आपकी मिड ब्रेन का तो ये काम है जबकि सेरेब्रल प्यूडंकल जो है ये फाइबर कंटेन करते हैं ये कोऑर्डिनेट कराते हैं फोर ब्रेन को हाइन ब्रेन के साथ यानी कि आगे वाले ब्रेन के पार्ट्स को पीछे वाले ब्रेन के पार्ट से कोऑर्डिनेट कराते हैं आपस में इंफॉर्मेशन के पास ऑन करा रहे होते हैं तो यहां तक जो था ये मिड ब्रेन हमारा पूरा हो गया